दुनिया में ताकतवर शख्सियत समझे जाने वाले अमरीकी सदर साइकिल चलाते हुए गिर पड़े। अमरीकी सदर जो बाइडेन उस वक्त साइकिल से नीचे आ गिरे जब वो अपने डेलावेयर साहली रहायशगाह के करीब कैप हैंडलोपन स्टेट पार्क में साइकिलिंग कर रहे थे। ऐसा लगता है कि जो बाइडेन को साइकिल चलाने की प्रैक्टिस ही नहीं, क्योंकि साइकिल चलाने के लिए साइकिल पर चढ़ना और उतरना बहुत अहम होता है। अमरीकी सदर ने साइकिल से उतरने के लिए पहले अपना बायां पांव नीचे जमीन पर रखा, फिर इसी दौरान उन्होंने अपना दायां पांव साइकिल के पैडल में फंसा डाला और वो नीचे जमीन पर आ गिरे। अगर उन्होंने ग्लव्स, जूते और हेलमेट न पहन रखा होता तो शायद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता। जो बाइडेन जब जमीन पर गिरे तो फौरन ही CIA के एजेंट्स की मदद से उठ खड़े हुए और मीडिया के नुमाइंदों से कहने लगे, मुझे कोई चोट नहीं आई, मैं ठीक हूँ। उन्होंने अपने साइकिल से गिरने की वजह बताते हुए कहा कि मेरे पांव का अगला हिस्सा पैडल में फंस गया था। 89 साल अमरीकी सदर जो बाइडेन आजकल अपनी साहली रहायशगाह में मुकीम हैं, जहां उन्होंने एक रोज कबल अपनी अहलिया के साथ शादी की 45वीं सालगिरह मनाई, जबकि अगले ही रोज सुबह वो साइकिल ट्रैक पर साइकिलिंग के लिए निकल खड़े हुए। इस मौके पर उनके हामियों की एक मखसूस तादाद भी उन्हें देखने के लिए मौजूद थी। जो बाइडेन ने गिरने के बाद खड़े होते ही अपने आप को संभाला और कई मिनट तक अपने और अपनी साइकिल के आसपास जमा शुदा लोगों के साथ बातें करते रहे। इस बारे में व्हाइट हाउस की जानिब से जारी करदा एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि उन्हें साइकिल से गिरने की वजह से किसी तिब्बी सहूलत की जरूरत पेश नहीं आई, वो मुकम्मल ठीक हैं। व्हाइट हाउस के एक एहलकार ने बताया कि सदर को तिब्बी इमदाद की जरूरत नहीं, उन्होंने दिन का बकिया हिस्सा अपने अहले खाना के साथ गुजारा। जो बाइडेन अमेरिका के मोम्मर तरीन सदर हैं और ज्यादा उम्र होने की वजह से उनकी सेहत मुसलसल मौजूए गुफ्तगू है, खासतौर पर जब ये कयास आराइयां बढ़ रही हैं कि आया वो 2024 में दूसरी मुद्दत के लिए भी सदारती इलेक्शन लड़ेंगे। इससे कबल नवंबर 2020 में सदारती इंतखाबात में कामयाबी के फौरन बाद और ओहदा संभालने से कबल जो बाइडेन का अपने जर्मन शेपर्ड्स के साथ खेलते हुए एक पांव फ्रैक्चर हो गया था। तहम एक साल बाद नवंबर 2021 में अमरीकी सदर जो बाइडेन के डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल तौर पर सेहतमंद करार दिया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।